वर्धा में मंडप बिछात इलेक्ट्रिक डेकोरेशन साउंड सिस्टम कैटरिंग मंगल कार्यालय व लॉन एसोसिएशन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के निमित्त में शांति पदयात्रा निकाली है। लॉकडाउन के चलते अनेक व्यवसाय पूर्णतः बंद है। कोरोना इस महामारी संसर्ग को रोकने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय जिला प्रशासन पूर्णतः सतर्क है, लेकिन इसके चलते अनेक व्यवसाय बंद पूर्णतः बंद होने के कारण व्यावसायिकों पर भूखमरी की नौबत आई है, जिसमें मंडप बिछायत इलेक्ट्रिक डेकोरेशन साउंड सिस्टम कैटरिंग मंगल कार्यालय व लॉन्च शामिल है। यही नहीं, इसके चलते एसोसिएशन ने अनेक निवेदन जिला प्रशासन को दिए, मगर वह कचरे के ढेर में फेंके गए। ऐसा आरोप एसोसिएशन के लोगों ने किया है। इसके चलते आज गांधी जयंती के अवसर पर वर्धा जिले के पालक मंत्री सुनील केदार को निवेदन दिया गया और एसोसिएशन ने सरकार का निषेध भी किया है और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हमारा व्यवसाय फिर से शुरू नहीं हुआ तो हमें हमारा आत्मदहन करने के अलावा कोई पर्याय नहीं होगा। जिला प्रशासन को अभी तक 20 से 25 बार हमने निवेदन किए, उन्होंने बस कचरे की टोपली दिखा दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हम वही देख रहे हैं कि अगर आप नहीं एक्शन लेते तो रिएक्शन हमारा आएगा और इतना बेकार रिएक्शन आएगा कि आप सरकार भी नहीं सोच सकती। 7 महीने से आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन चालू है कोविड-19 की, हमको किस प्रोग्राम के लिए सरकार ने परमिशन दी? किसी भी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होते बोले आपके यहाँ ऐसा होता है वैसा है, कुछ ना कुछ उनके क्लॉज रहते। हमने आज तक शांत बैठे क्योंकि अभी तक हमने झेला है, अब हम पीलेंगे। पालक मंत्री को हमने बताया कि मंडप लॉन हॉल डेकोरेशन हमको एक रिस्ट्रिक्शन, यानी जो भी आप हमको सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और जो भी सरकार की तरफ से कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन आती है वो गाइडलाइन का हम पूरी तरह से पालन करेंगे। उसके साथ पालन करते हुए हमारा व्यवसाय भी थोड़े प्रमाण में शुरू कर दो। जहाँ तक हो सके हमको 200 लोगों की किसी भी हॉल लॉन या घरगुती प्रोग्राम करने की हमको इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से मिले, इतनी हमारी विनंती है। हम सिर्फ राह देख रहे हैं, वो भी सिर्फ 7 दिन की राह देखने के बाद, और राह नहीं देखेंगे, हम राह दिखाएंगे और वो भी शासन प्रशासन दोनों को। इसके बाद अगर हमारी मांगनी अगर पूर्ण नहीं होती है तो हम रास्ता रोको, रेल रोको, उसके बाद में हम साखड़ी उपोषण, आमरण उपोषण और यहाँ तक कि लास्ट स्टेज आत्महत्या करने का भी हम विचार कर रहे हैं। लेकिन ये करना हमको जरूरी है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है हमारे पास, आखिर में जीने मरने का हमारा सवाल खड़ा हो गया, तो आत्महत्या के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, इनकी जयंती है, ये दिन हमको आज अहिंसा का मार्ग लेके ही हमने आज अपना आंदोलन शुरू किया, लेकिन हो सकता है ये मार्ग भविष्य में जाके हिंसक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज तक हम चुप रहे, सब लोगों के रोजगार शुरू हुए, सिर्फ मंडप डेकोरेशन कैटरिंग इनके भरोसे लाखों लोगों का रोजगार चलता है, आज वो भूखे मर रहे, तो इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों जवाबदार है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, इसकी कोई गाइडलाइन आज तक हमको सरकार ने नहीं दी है। हमको हर बार चुपके और हमारे गर्दन पे पैर रख के हमको झुका के रखा है, जा सोशल डिस्टेंसिंग करो, सैनिटाइज करो, ये सब हम रेगुलर इसको फॉलो करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, लेकिन सरकार हमको हमारे व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन देके हमारा व्यवसाय शुरू करो, अन्यथा हम इतना उग्र आंदोलन कर देंगे कि सरकार को भी हम जीने नहीं देंगे। वर्धा जिला सेवा समिति के अंतर्गत आने वाली हमारी मंडप बिछायत, लाइटिंग, कैटरिंग, डिस्प्ले और अन्य हमारे साथ जुड़े हुए व्यवसायी सबने आज का दिन हमने इसलिए चुना कि आज का गांधी जी का जयंती का पर्व का 151वां साल है और उसको अति उत्साह से मनाने की हमारी भी इच्छा रहती है हर साल, मगर इस साल हमने उसको हमारी अलग तरीके से मनाने का प्लान बनाया था और उसी के तहत हमने आज शांति मार्च निकाला, जो कि हमारे व्यवसायी ने पूरा भरघोस हमको प्रतिसाद दिया और हम लोग गांधी पुतला से लेके सेवाग्राम बापू कुटी तक पैदल मार्च निकाला जो कि 7 किलोमीटर का है और शांतिपूर्वक हमारे सभी व्यवसायी भाइयों ने और प्रशासन ने हमको वहाँ बैठने की अनुमति दी, इसलिए हम उनका और हमारे पूरे व्यवसायी भाइयों का धन्यवाद देते हैं, साथ में आपका भी जो हमें हमको अपने सहारा और यहाँ तक हमारी बाइट लेने के लिए आए, धन्यवाद। NBC न्यूज़ के लिए वर्धा से प्रणय ढोले की रिपोर्ट।